मैच खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और दोनों टीम सब भी बराबरी पर हैं। भास्कर फाइटर फाइटर का बेहतरीन शॉट, तेजी से आगे बढ़ते हुए। मैं तैयार हूँ। ओए बॉल भास्कर, बहुत ही बढ़िया किक। शेख और जो तो बस देखते ही रह गए। और अब फिर से एक बार फाइटर आगे बढ़ते हुए, भास्कर फाइटर के साथ में है। दोनों पास मांग रहे हैं लेकिन फाइटर ने किक मारी और ये बॉल सीधा गोली के हाथ में। लगता है फाइटर बस अकेले ही पूरा मैच खेलना चाहता है। ये खुदगर्जी तो इसकी टीम पर काफी भारी पड़ सकती है। और ये फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए आखिर में पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चो तुम देखो मैच का, मुझ में देखे फाइट जहाँ। 1, 2, 3, मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। टाइम शुरू हो गया है और फाइटर क्या कर रहा है? जो पहले स्कोर करेगा उसी की जीत होगी। ओहो, फाइटर ने बॉल शेख को देने का इशारा तो किया पर उसने अपनी बात पर अमल नहीं किया। अरे यार, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं टीम के बारे में भी सोचो। मैं तो बस गोल्स करने के बारे में ही सोचता हूँ। शौका बेहतरीन पास, बॉल शेख के पास आई, शेख ने फाइटर को दे दी। अरे शानदार किक, बॉल गोल के ऊपर से चली गई। ओहो, एक और मिस चांस। तू आखिर बॉल को पास क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं, ऐसे खेलता रहा ना तो हम गेम हार जाएंगे। अगर फाइटर स्कोर नहीं कर सकता तो कोई स्कोर नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। ऐसा नहीं चलेगा तो फील्ड छोड़ के चला जा। इससे बॉल चली गई है। अच्छा, गेम में ध्यान दो। ये फुटबॉल नहीं टेबल टेनिस लगता है जिसमें सुपर स्ट्राइकर्स नेट है। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के आज के खराब परफॉर्मेंस की, जिसका कारण था फाइटर। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी, स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें ताकि शायद उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। शेख, मेरे ऑफिस में अभी आओ। कोच आखिर शेख से नाराज क्यों है? एक्चुअली टीम की असली प्रॉब्लम तो फाइटर का बड़ा सिर है। हम इस तरह कभी नहीं जीत सकते। मैं तो बस अपना गेम खेल रहा हूँ। दोस्त, आज तेरा गेम बहुत ही बकवास था। तेरे बकवास गेम की वजह से ही आज हमें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समझ में आया? दोस्त, अगर तू हर गेम में मेरा काम मुश्किल करने वाला है तो मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम और शेख एक साथ कुछ करो। हाँ? तुम दोनों ओवरसीज जाओगे मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए। ओह, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क? नहीं, सोलिनेशिया। वाह, एक तो खराब खेलो और बाहर घूमने जाओ। पर कोच, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी, स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें। हम पहुंचे या नहीं? नहीं। 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे।
हम पहुंचे या नहीं? नहीं। वैसे इस सोलनीजिया में ऐसा स्पेशल क्या है? कोच मुझे वहां भेजकर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सोलनीजिया चिनलॉन का घर है। अब मेरी समझ में आ गया, हम सोलनीजिया कोच के दोस्त चिनलॉन से मिलने जा रहे हैं। याद रखना, फाइटर को अब लाइन पर लाने का काम तुम्हारा है। सुपर स्ट्राइकर्स, हमने सुना है आप मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स हैं। पर याद रहे, सोलनीजिया में फुटबॉल बैंड है, इसलिए यहाँ पर खेलने की गलती मत करना। जी बिल्कुल सर। दरअसल हम तो यहाँ पर खेलने हम चलते हैं ऑफिसर्स। चलना क्या है यार। और कोच ने कहा है कि चिनलॉन में बाहर वालों के लिए आना मना है। क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, हम तो आम लोगों के साथ रहेंगे। क्या कहा, आम लोगों के साथ? ये तो गंदी बात है। नहीं, ये गंदी बात है। हम पहुंचे या नहीं? चिनलॉन, क्या तुम शेख हो? ओह, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? दरअसल मैं हूँ शेख। और मेरा नाम है, मैं हूँ खिन। खिन, मेरे साथ चलिए। दरअसल कोच ने मुझसे कहा है कि मैं आपको चिनलॉन दिखाऊं। हैं? चिंगचोंग? चिनलॉन, ये सोलनीजिया की एक प्राचीन बॉल गेम है। सारे प्लेयर्स सर्कल में बॉल पास करते हैं। इनके मूव्स कमाल के होते हैं, पर बॉल को हवा में ही रखना होता है। ओह, हम इतनी दूर से एक ऐसी गेम सीखने आए हैं जिसे घास की बॉल से खेला जाता है। चिनलॉन के सिर्फ 3 ही नियम हैं। सिर्फ 3? जब तुम ये 3 नियम सीख लोगे, सुपर स्ट्राइकर्स और बेहतर टीम होगी। डर मत शेख, मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा। आहा, चिनलॉन कोई कॉम्पिटिशन नहीं है फाइटर। टीम आपस में ही कम्पीट किया करती है बेहतर मूव्स और ज्यादा देर तक खेलने के लिए। मैं अच्छा खेलता हूँ, अच्छे मूव्स करता हूँ, मैं खेलता ही रहूंगा बिल्कुल अकेले। हमें इसकी मदद करनी है। वैसे ये गेम बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इससे पहले कि हम खुद को शर्मिंदा करें, यहाँ से चलते हैं। तू पागल हो गया क्या? ये गेम तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। पहला नियम, हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त आपकी ओर आ सकती है। मैं बोर हो गया था दोस्त। बॉल आ रही है। हाँ हाँ शेख, मुझे पता है। अच्छा कर रहे हो। अब दूसरा नियम, संपर्क करना, पास में ही अपना संदेश देना। हाँ।
गोल। शेक, तेरे पास में मैसेज मिला और वो मैसेज था गोल कर। कोच ने कहा था मामला सीरियस है, पर ये तो उससे भी बदतर निकला। बिल्कुल सही कहा। आहा, तुम लोग चिल्लौन खेल रहे हो। आपको पता है ना, बाहर से आए हुए चिल्लौन नहीं खेल सकते। हमने वार्निंग दी थी, आपको वापस जाना होगा। रुको, तीसरा नियम क्या है? अरे ये क्या है? ये बहुत ही आसान होगा। तो जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले कि हम अच्छी तरह से सीख पाते, हमें वहां से निकाल दिया गया। कल हाइड्रा के साथ हमारा मैच होने वाला है और फाइटर ने अपने टीममेट्स को अपने खिलाफ कर दिया है। वो वापस सबका दिल जीत लेगा। एक तो अजीब से देश में भेज दिया जहाँ फुटबॉल तो खेल सकते हैं मगर गोल नहीं मार सकते, और वहां से भी निकाल दिया गया, वो भी। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ही कुछ करेगा, वरना मैं उसे खेलने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ चिल्लौन मेरी मदद करेगा, मगर ये नहीं जानता कि कैसे। बस याद रख कि किन ने क्या बताया था, यही कि हम चिल्लौन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अरे आज सबके सब मेरे ही बैग के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले वो किन और अब तू। ओए फाइटर, किन ने नियम के कागज तेरे बैग में रखे थे। ओ अब चल टीम के पास चलते हैं। तो वहां से सोवेनियर्स ले आए हैं ना? अब हमें जलाओ मत, हमें पता है तुम दोनों ने वहां मिलकर बहुत मजे किए होंगे। हम दोनों सोलिनीजिया यही सीखने तो गए थे, तीन कागज चिल्लौन के तीन नियम। वाह, कमाल है। अरे वाह, ये तो चिल्लौन मॉन्क्स की बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइंग है। हम दोनों तुम सबको सिखा सकते हैं। पहला नियम है हमेशा तैयार रहना, बॉल किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकती है। हमें एक असली मॉन्क ने ये सब सिखाया है और अब मैं तुम सबको ये सिखाऊंगा। दूसरा नियम है पास करने में ही अपना मैसेज देना। मतलब बॉल पर कुछ लिखना है? नहीं, पास करते वक्त अपनी बात पहुंचानी है। ओ, तो इसका मतलब बॉल पर कुछ नहीं लिखना। हाँ, बॉल पर कुछ नहीं लिखना। समझ गया। अब मेरा सबसे फेवरेट नियम, तीसरा नियम है एक ही मौका मिलता है उसका पूरा फायदा उठाओ। सबसे पहले अच्छा खेलना सीखो और उसके बाद अच्छे अच्छे मूव्स करो। अब देखो मेरा कमाल। वो तूने ये कैसे किया शेख? बहुत कमाल कर दिया शेख। तू तो ब्रेक डांसर की तरह दिख रहा है यार। देखा ना, जब सब लोग एक ही जैसा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो वो चिल्लौन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने फैंस के सामने मिस्टर फाइटर तो पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। मैच का दिन आ गया है। आज के मैच को लेकर देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुपर स्ट्राइकर्स के गोल बनाने वाले प्लेयर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। बस यही उम्मीद करो कि आज के मैच में वो थोड़ा और मिलजुल कर खेलें। अगर नहीं तो हाइड्रा जरूर जीत जाएंगे।
आप जान गए होंगे हमें वहाँ जाकर फायदा हुआ कोच। प्रैक्टिस में फाइटर चिनलॉन चैंपियन बन गया था। कुछ कह नहीं सकते, बस आप देखते जाइए। अगर आज वो ठीक से नहीं खेला तो आगे भी नहीं खेल पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। फाइटर, हेलो, जाग जा बच्चू, अब देख हम तुझे कैसे हराते हैं। इस टीम में रहने के लिए मुझे स्कोर करना ही होगा, इससे मेरे फैंस भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चिनलॉन की राह पर चलने के लिए तैयार है ना दोस्त? ये फुटबॉल है शेक, चिनलॉन नहीं। मुझे जी जान से खेलना होगा, बहुत सारे गोल्स बनाकर कोच को दिखा दूंगा कि अब भी सुपर स्ट्राइकर्स का टॉप स्कोरर मैं ही हूँ। ओह नो, फाइटर बॉल को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पास कर फाइटर, पास। कोच को ये मूव जरूर पसंद आएगा। लगता है फाइटर ने पिछले मैच से भी कोई सबक नहीं सीखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, एक बात याद रखना, तेरे फैंस की वजह से इस बार तू चिनलॉन की राह से भटक मत जाना। और बॉल जो के पास, जो आगे बढ़ रहा है। प्लीज हमें गलत साबित कर दे दोस्त। उसने फाइटर को पास दिया और फाइटर आगे बढ़ रहा है। पता नहीं वो किसी को पास क्यों नहीं कर रहा। वो सही अंदाज नहीं लगा पाया, वो क्या सोच रहा था। इतनी बेहतरीन टीम में एक बुरी कड़ी आने की वजह से कहीं ये पूरी की पूरी टीम ही बिखर कर ना रह जाए। शॉप बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। हाइड्रा टीम के डिफेंडर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शॉप का गलत पास, कैप्टन शॉप ने बॉल अपनी तरफ मंगाई। हाइड्रा का गोल, सुपर स्ट्राइकर्स में टीम वर्क की कमी नजर आ रही है। हाइड्रा एक गोल से आगे है, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद को ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। पर लगता है एक हाइड्रा प्लेयर जख्मी हो गया है। क्या कर रहा है फाइटर? हर बार जब भी तुझे बॉल मिलती है तो शॉट क्यों मार रहा है? हाँ, गोल बनाने से ही मैं इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। नहीं, टीम के साथ खेलने से ही तू टीम के लिए फायदेमंद बनेगा। हमने जो सीखा है वो याद कर। आई एम सॉरी। देख, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, पर हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो हम एक टीम है या नहीं? सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। बस मुझे बताते जा कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगा। और एक बार मैच फिर से शुरू। कैप्टन रास्ता ने पास किया जो को, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस पास किया कैप्टन रास्ता को। बॉल अब फाइटर के पास, बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए पास किया शेख की तरफ। शेख ने कुछ नया शुरू कर दिया है। हाँ, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वो स्पेशल फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल तैयार रहो, बॉल तुम्हारी तरफ कभी भी आ सकती है। बॉल क्लॉस के पास से कैप्टन रास्ता के पास। पास में अपना मैसेज भेजो। बस एक मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। जो ने पास किया टाइगर को और टाइगर ने गेंद हवा में ऊंची उछाली। फाइटर! और ये शेख का हेडर। अब कौन किक मारेगा इस बॉल को? और ये फाइटर के एक्रोबैटिक किक, शेख हवा में उछला और ये बढ़िया पास टाइगर को, उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। फिर से बॉल टाइगर के पास और जो अब आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अब बॉल आ गई है फाइटर के पास, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फाइटर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने पास दिया कैप्टन रास्ता को। और वो भी गेम के आखिरी कुछ सेकंड्स में, और बस कुछ ही पलों
के सिर पर जीत का सहरा बांध लिया है। क्या बात है। आई एम वेरी सॉरी कोच, मैं आज एक भी गोल नहीं कर पाया। हम एक टीम की तरह खेले और जीते, बस यही मायने रखता है। तो क्या मैं अभी एक सुपर स्ट्राइकर हूँ? हाँ बिल्कुल हो। एक बात बताओ, ये कमाल का गोल फॉर्मेशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सोलिनीजिया से। सो क्या? ये कोच का आइडिया था और क्या। तो यहाँ गेम खत्म होता है, अब वापस चलते हैं स्टूडियो। सोलिनीजिया, ओहो चिनलॉन, अब बस एक काम करना रह गया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं शेख? सोलिनीजिया वाले दोस्त की अमानत वापस करने। तो क्या हम केन से मिलेंगे? वो केन है। केन? क्या? हाँ वही सही। पर क्यों? इस बार हम वहाँ पर बैठकर चिनलॉन तो नहीं खेलने वाले हैं ना? यार तू सवाल बहुत पूछता है, तो जवाब भी दे देना।